एंजाइटी किन वजह से होती है, कारण क्या है। तो आज मैं आपसे पांच कारण शेयर करने वाला हूं। अगर आपने पांच कारण अवॉइड कर दिए तो 80% समझ लो आपका कंट्रोल आ गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे भाई, जिसको आपसे रिलेशनशिप रखना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती, और जिसको रिलेशनशिप नहीं रखना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको जोड़ नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अवर ब्रेन अवर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइटी। पहले मैं बताया था आपको एंजाइटी होती क्या है, ये एंजाइटी किन वजह से होती है, कारण क्या है। तो आज मैं आपसे पांच कारण शेयर करने वाला हूं। अगर आपने पांच कारण अवॉइड कर दिए तो 80% समझ लो आपका कंट्रोल आ गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो पहले वीडियो में आप देख सकते हैं एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं एंजाइटी है क्या। पांच रीजन बताऊंगा, तीन लाइफ साइकिल के अंदर डिवाइड करूंगा। तीन लाइफ साइकिल मतलब एक चाइल्ड 19 ईयर तक, उसके बाद यूथ 35 तक, और फिर 35 से 50 प्लस जो भी टाइम है उसके लिए, क्योंकि मिड एज। तो हम तीन जगह इसको ब्रेकअप कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि हम और आप जुड़े रहें। चलिए फिर हम चलते हैं इस जर्नी पे, साइकोलॉजिकल जर्नी। तो पहला रीजन एंजाइटी होने का, दैट इज सेल्फ क्रिटिसिज्म। अब सेल्फ क्रिटिसिज्म एक नॉर्मल वर्ड है, बट ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, आसान है, जल्दी समझ आएगा। बच्चा घर में है, माँ बाप इतना ज्यादा इंटरफियर कर रहे हैं, वो कहता है मेरे को सुबह उठना है, सुबह उठ के पढ़ूंगा। नहीं नहीं, तू रात को पढ़, सुबह तू नहीं उठता है, पहले ही डिसाइड। अगर उसने कहा अच्छा मैं रात को पढ़ता हूं, नहीं नहीं तू रात को सो जा, रात को नहीं पढ़ता तू, नींद आती रहती है तेरे को, बार बार हमें देखने जाना पड़ता है। और तो और, मम्मी ये भी बताएगी आज पार्टी में कौन सी कलर का शर्ट पहन के जाना है। नहीं करना चाहिए ऐसा, वरना बच्चा एंजाइटी में चला जाएगा, आप खुद ही उसे धकेल दोगे, वो जा नहीं रहा तो आप धकेल दोगे। इसका बड़ा आसान है, कोई भी गाय अपने काफ्स को, अपने बछड़े को ऐसे लिक नहीं करती कि ब्लड आ जाए, बड़ा सिस्टमेटिक है। उतना ही आप इंटरफियर करो जितना जरूरी है। पहला हो गया। दूसरा, हम यूथ लेवल पे करते हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग हो जाती है। यूथ में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप है, क्योंकि नया नया बना होता है, अब उसके फ्रेंड्स भी नए नए बने होते हैं उस सर्कल के, आप समझिए। और वो बेचारा शाम को कभी अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है, और घूमते घूमते गलती से उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया, या रिवर्स गर्लफ्रेंड घूम रही है, बॉयफ्रेंड ने देख लिया, हो गया जी शुरू। तुम्हें तो हमारे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे को तो फालतू लोगों के लिए टाइम है, स्ट्रेस शुरू। बिना किसी बात के आपने एंजाइटी लेवल बढ़ना शुरू कर दिया, और ये अगर आप कंटिन्यूस करते चले जाओगे एंजाइटी लेवल बढ़ता चला जाएगा। फिर बाद में वो बेचारे को हार्ट फेल हो लेगा, तब आप बोलोगे सॉरी बाबू नहीं करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। और अगर आप शादीशुदा हो तो और समस्या है, क्योंकि इकट्ठे ही रहना है 24 घंटे, और तब आप क्या करते हो, तब आप अगेन कंपैरिजन करते हो कि आपका फलानी चीज अच्छी नहीं है, आप जो अपने दोस्त के साथ बात कर रहे थे ऐसे बात नहीं करनी है आपने, आप वैसे बात कर रहे थे, आप तो जो अब पड़ोसन थी उसके साथ आपने ये सवाल क्यों कर लिया, बिना किसी बात के वो नॉर्मली बात कर रहा है, उसके बाद तुमने बात करनी छोड़ दी। या रिवर्स में कोई पड़ोसी आ गया, तुम तो बड़ी हंस हंस के बात कर रही थी, उसका एंजाइटी लेवल बढ़ा दिया आपने। तो ये बिल्कुल ना करें, वरना सेल्फ क्रिटिसाइज हम करने लगेंगे, अपने आप को ही सेल्फ क्रिटिसाइज करने लगेंगे, हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि हमें क्या खूबी है, हम सिर्फ अपने अंदर नेगेटिविटी ढूंढने लगेंगे। और तीसरा, मिड एज के अंदर क्या होने वाला है, मिड एज में आपकी एज बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर हम उनको क्रिटिसाइज करें। हो सकता है वो क्रिटिसिज्म आप खुद ही कर रहे हो, तब रिवर्स हो जाता है, बच्चे पेरेंट को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, तुमने ये नहीं किया वरना तुम वहां पहुंच जाते,
तुम ऐसा करते तो तुम्हें वो फायदा हो जाता। अगर सभी लोगों को ऐसे ही फायदा नुकसान हो जाता तो सुप्रीम एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती इस दुनिया में। तो ये हम ऑटोमेटिकली बिना किसी बात के ही एंग्जायटी क्रिएट कर रहे हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने काम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। तो हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं अभी। सेकंड है लो सेल्फ एस्टीम। हमारा जो स्वाभिमान है, आत्म सम्मान है, कई बार वो कम हो जाता है। अब वो कम कैसे होता है? बच्चा है, उसको बुलिंग हो रही है, उनका जो ग्रुप है उसकी हर बात को कहता रहे ये तो सब बकवास है, उसकी लेग पुलिंग ज्यादा हो रही है। टीचर है, वो कभी कभी गलती करती है, कुछ ही बच्चों को प्रेज करती है, बाकियों को नहीं करती, बच्चा सोचता है बायस्ड है, हो गया लग सेल्फ एस्टीम लो, प्रॉब्लम हो गई इसको। दूसरा मिड एज में सेल्फ एस्टीम लो आपस में करते हैं, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। वो मेरा जो पुराना बॉयफ्रेंड था ना, वो बहुत ही अच्छे गिफ्ट लाता था, वो वहां ले गया था, तुम तो बिल्कुल ही ऐसे हो, या रिवर्स कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। लड़का भी लड़की को बोलता है, उससे स्टीम लो स्टीम हो जाती है, आपका स्वाभिमान कम हो जाता है, आत्मसम्मान कम हो जाता है। और तीसरा मिड एज में जाके क्या होता है, गेन मैंने आपको बताया था कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है। तो मिड एज के अंदर हम क्या करते हैं, वो जो पर्सन है उसके बॉस ने बोला तू किसी काम का नहीं है, तेरे बस का नहीं है कोई काम करना। अब वो 40-45 साल में, इतने साल उसने उस कंपनी को, उस ऑफिस को दे दिए हैं, पर बॉस ऐसा बोल रहा है, स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है, पर उसके पास ऑप्शन कम है, वो बॉस को जी हजूरी कर रहा है बिना किसी बात के। और शाम को अपने घर का काम उसे ही कराएगा, पर्सनल काम उसे ही कराएगा, क्योंकि वो पुराना एम्प्लॉई हो गया। तो हमें पहले दिन से ऑफिस के एनवायरनमेंट के अंदर, अपने भी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें समझनी चाहिए। और जहां थोड़ा सा भी आपको लगे मेरी सेल्फ एस्टीम को कोई आदमी छू रहा है, उसी टाइम रेड फ्लैग, ऐसे के बजाय ऐसे कर देना चाहिए, रेड फ्लैग उसे दिखा देना चाहिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या है, थिंक नेगेटिवली। ये एक हैबिट है जो कभी कभी पेरेंट्स देते हैं बच्चों को, कभी एनवायरनमेंट देता है, और कभी कोई एडिक्शन दे देता है। बच्चा थिंक नेगेटिव करता है, बच्चा क्या करेगा, समझने की कोशिश करिए। थिंक नेगेटिव में ये पेपर मेरे से पास ही नहीं हो सकता, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ सकते, ये एंग्जायटी बढ़ा देगा। बड़ा है, अगेन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूं, तो एंग्जायटी बढ़ा देगा नेगेटिव सोच के, कि वो जो भी गिफ्ट दे रहे हैं एक दूसरे को, तुम्हारा गिफ्ट अच्छा नहीं है। कुछ सोशल बनिए, अगर अच्छा भी नहीं है तो उसमें इंप्रूवमेंट कराने का तरीका है, उसको स्टेट फॉरवर्ड नो मत बोलिए। और हस्बैंड वाइफ, हाँ तो और माशाल्लाह है, क्योंकि फिर वो इकट्ठे रह रहे हैं। उसने बोला कि ये लाल रंग की साड़ी अच्छी लगेगी, इसने कहा नहीं नहीं तुम्हें तो कलर की समझ ही नहीं, और पूछा भी उससे ही है। और रिवर्स हस्बैंड ने कोई डिसीजन पहले से लेकर रखा, बट वो पूछ रहा है और उसको जो भी सुजेशन दे रही है वो उसको मना कर रहा है, तो थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा। और मिड एज में तो बहुत बड़ा इशू है, आजकल बच्चे कम हो गए। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि 4-5 बच्चे होते थे, बच्चे कम हो गए, राइट? तो बच्चों में क्या है, 1-2 बच्चा है, तो वो मिड एज में तक जाते जाते किसी एक पेरेंट की तरफ इंक्लाइन ज्यादा हो जाते हैं। और ज्यादातर वो मदर होती है, अगर मदर हाउसवाइफ है, और अगर वो वर्किंग है तो फिर ऑलमोस्ट 60-40 से ज्यादा का नहीं होता। इसलिए ज्यादा वर्किंग करनी चाहिए, मैं तो यही कहता हूं, मियां बीवी दोनों को काम करना चाहिए। तो इंक्लाइन हो जाते हैं, तब तो बस पूछो मत, सारी कमियां उस थर्ड पार्टी के। मान लो 2 लड़कियां हैं और एक मदर है और हस्बैंड है मिड एज में, तो वो 3 का एक ग्रुप बन जाता है, वो अकेला बेचारा सेपरेट अपनी दुनिया में अकेला ही पड़ा रहता है, और उसकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गई।
रिवर्स में अगर लड़के हैं तो वो टाइम देखते हैं इधर, या गलती से वो फादर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि उनके जो मेल के यूजली इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो मदर को काफी नेगेटिव थॉट में जाना पड़ता है क्योंकि आदमी का ये लगने लगता है मैं जो भी सोचता हूँ वो नेगेटिव, वो जो भी सोचता हूँ वो गलत है। तो ये नेगेटिव थॉट्स को मैंने 3 लाइफ साइकिल के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? बीइंग जज्ड। जो लोग जजमेंट करते हैं ना, हमारी जज, वो हमको स्टेज आर्टिस्ट है क्या कि हमें सब लोग जज करेंगे? स्टेज आर्टिस्ट का काम है कि लोग उसको जज करें, प्रेज करें। अगर उसको लोग जज करेंगे और प्रेज करेंगे तो उसकी गुडविल बढ़ेगी, उसको मॉनेटरी टर्म में फायदा होगा, पैसा बढ़ेगा मॉनेटरी टर्म के अंदर, उसकी गुडविल बढ़ जाएगी। लेकिन क्या नॉर्मल आदमी को भी जज करना चाहिए? कभी नहीं। हम क्या करते हैं? बच्चे को सबसे पहले जज करते हैं, थोड़ा मोटा हो गया तू, घर में पेरेंट ही पहले। तो वो अगर मोटा नहीं हुआ तो आप कर दोगे बोल बोल के उसे। उसके बाद रही सही कसर रिलेटिव पूरी कर देते हैं। माँ की 4 बहनें हैं या बाप के 4 भाई हैं, वो अपने परिवार को कम बोलेंगे, उसको ज्यादा जज करेंगे, ये थोड़ा मोटा हो गया, ये पढ़ने में वीक है। मतलब सारी सलाहें उसी के लिए हैं और पेरेंट बैठे हुए साथ में हंसते रहेंगे, नहीं गलत है, तुरंत रोकिए। बच्चे में कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, बच्चा जाना बंद कर देगा रिलेटिव्स में, नहीं करना प्लीज। एंड सेकंड, बीइंग जज्ड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तुम्हें तो कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। और साथ में थोड़ा सा देखो, फलाने वाले का जो बॉयफ्रेंड है ना उसके कपड़े देखा करो, अब वो उसके कपड़े देखने जाए, या रिवर्स में करने का नहीं, मेरा तो दोस्त है ना उसके गर्लफ्रेंड देखो। बीइंग जज्ड, आप जो अच्छे वाले कपड़े पहन रहे हो उनका भी आपने बट्टा धार कर दिया, और हस्बैंड वाइफ है वो तो सारे दिन इकट्ठे रहते हैं, तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? देखो तुम्हारे माथे पे 3 लाइनें आ गई हैं। अरे भाई उसकी शक्ल ही ऐसी है, मान क्यों नहीं लेते तुम? हस्बैंड तो सारा दिन ही मुंह बना के रखती है। तो जज आप मत करिए जज। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है, कभी भी जब लाइटली मूड में बैठे हो, आजकल आपका ना चेहरा अजीब लगता है, ऐसे प्यार से समझा सकते हैं, जल्दी काम करेगा, ऐसे चुटकी बजाते हैं। लेकिन हम इंस्टेंट जज करते हैं, वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड, मिड एज में। मिड एज में तो बेचारे की बहुत ही, हस्बैंड और वाइफ दोनों की, क्योंकि उस एज में आने के बाद तुम्हें क्या पता यार, बच्चे जज करने लगते, फलाने के मम्मी को देखो, वो किट्टी पार्टी भी जाती है, वहां भी जाती है, ये भी करती है, और वहां जाके उसने हेल्प किया, उसको ऐसा कर दिया। भाई आपके माँ बाप आपके लिए कभी बुरे काम कर ही नहीं सकते, प्लीज बी अश्योर्ड, यू अपने आप को अश्योर कर लें, अश्योर्ड योर सेल्फ, सिर्फ माँ बाप ही हैं जो आपके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। एंड रिवर्स, तुमने ना वो प्लॉट नहीं खरीदा, मेरे पापा आज हम करोड़पति होते हैं, अरे उसके पास उसने पैसे नहीं रहे होंगे और कोई जिंदगी में परेशानियां रही होंगी, तो अब रिवर्स हो जाता है, वो लोग जज करने लग जाते हैं बच्चे, और मिड एज में आपको सारी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके अलावा रिलेटिव और जज करते हैं क्योंकि तब तक कुछ बच्चों की शादियां हो जाती हैं, तो आपके रिलेशन, आपका पूरा सर्कल बड़ा हो जाता है, प्लीज नहीं करें। जितना ज्यादा करेंगे उतना ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अब हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, इससे था फिफ्थ पॉइंट, फियर ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का फियर, तो सबसे पहला फियर, ये हमारे को गिफ्टेड है। मैं अक्सर अपने बच्चों को पढ़ाते हुए जो स्टूडेंट्स आते हैं साइकोलॉजी पढ़ने, उनको बोलता हूं वो योद्धा काट के योद्धा होते हैं जो डरते हैं। तो फियर सब में होता है, बट उसको हमें कंट्रोल कर लेना। अगर एक बच्चा है तो उसका फियर क्या है? मेरे फ्रेंड छूट जाएंगे। अरे वो फ्रेंड वैसे भी छूट जाएंगे दोस्त,
जिस टाइम तू ग्रेजुएशन में होगा कौन कहाँ होगा तुझे नहीं मालूम। अगर आपके 10 दोस्त है कोई एक आधा ही बचेगा जिसके साथ आप जुड़ोगे, वरना सारे फेसबुक पे सिर्फ हेलो हाय बाय लिखने के लिए रह जाएंगे आपको सोशल मीडिया, कोई काम नहीं आता। तो आप किस चीज से डर रहे हैं? आप ओपनली अपना बिहेव करिए, जो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे वो आपके दोस्त बने रहेंगे, लॉन्ग लाइफ बने रहेंगे, और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं कर रहे। तो बच्चे को डर होता है मेरे फ्रेंड मुझको जज करेंगे, मेरे फ्रेंड बात नहीं करेंगे प्लीज। और इसके अंदर बच्चे को आपको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, हम उल्टा उसे डांटने लगते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सेकंड, जो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप अगेन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की और मैरिड की, दोनों में ये कि वो कंटिन्यूस इकट्ठे रहते हैं, वो कंटिन्यूस इकट्ठे नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन फियर ऑफ रिलेशनशिप। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तूने उससे बात क्यों किया, उससे बात क्यों किया? अरे भाई, जिसको आपसे रिलेशनशिप रखना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़ नहीं सकती, और जिसको रिलेशनशिप नहीं रखना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको जोड़ नहीं सकती। ये मेरे से दिखवानी से ओपन रहिए, बिल्कुल ओपन। और हस्बैंड वाइफ है तो बहुत लगता है रिलेशनशिप को लेके, तुम्हें तो मेरे से ही बात करने में तकलीफ है, फला आदमी से बड़ा हंस हंस के बात कर रहे थे, अरे उसका बॉस है भाई, अगर उससे हंस के बात नहीं करेगा तो कल उसका बॉस किसी और को बुला लेगा हंस के बात करने के लिए। वो फियर है उसका, उसको एक सोशल प्रॉब्लम है, इस वजह से वो काम कर रहा है ऐसे। तो ये चीज समझने की कोशिश है, प्लीज समझिए इस बात को, कोई भी ऐसी जजमेंट मत करिए, फियर ऑफ रिलेशनशिप मत क्रिएट करिए। और सबसे बड़ा फियर ऑफ रिलेशनशिप, जब तुम मेरे भाई के साथ ऐसा बात करते हो, या लड़का बोलता है तुम मेरे ब्रदर आता है तो तुम ऐसी बात करती हो, प्लीज रिलेशनशिप का फियर से बाहर आ जाइए, लेट इट टॉक, थोड़े दिन बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, आप भी नॉर्मल हो जाओ। सिर्फ आपको ये देखना है उस रिलेशनशिप में सोशली कोई ब्रेकअप ना हो, ऐसी कोई भी चीज ना हो जिसमें सोशल जो हमारा कल्चर बना हुआ है उसमें कोई डिफरेंस है, या उसकी हम कोई लीक से हट जाए, बाकी सब ठीक है। एंड लास्ट इज द मिड एज। मिड एज में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप वर्किंग नहीं है, मान लो वाइफ वर्किंग नहीं है, तो उसका क्योंकि 40-45 साल का आदमी, एक तो बॉडी टायर करने लगती है, बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वो अपना काम कर रहा है, एक तो काम में बिजी है, ऊपर से वो अपनी ग्रोथ में बिजी है, उसका टारगेट है कुछ, मेरे को ये पैसा कमाना है, मटेरियलिस्टिक बहुत सारे टारगेट है, वो खाली है। अब क्या है, वो सारा दिन तो सोएगी जब खाली है, और फिर रात को 2 बजे तक लड़ेगी उसके साथ, उसको सुबह जाना ऑफिस, हो गया फिर रिलेशनशिप, याद है मुझे देने नहीं देगी वो, तो दे रहा गालियां बात करा। और रिवर्स, दोनों काम करते हैं तो हम एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं अपने बारे में, मेरा कुलीग था वो ऐसा बात कर रहा था, वो फलाना वहां गया था, ये नॉर्मल टॉक है, हम कभी कभी उसके ऊपर सीरियस हो जाते हैं, अच्छा ये दूसरे कुलीग से बात करती है, चक्कर नहीं दोस्त, वो उसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल आपके साथ दे दिए हैं, क्या इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आया आपको? प्लीज डोंट डू दिस, फियर ऑफ रिलेशनशिप ब्रेक कर देगा, मत करिए। तो ये 5 पॉइंट पूरे हो गए। अब कभी कभी कमेंट बॉक्स में डालते हैं लोग, मेल लिखते हैं हमें कि आप हमें कुछ ऐसे सोल्यूशन जरूर दे दें जो मॉनेटरी ना हो, तो दोस्तों मॉनेटरी तो छोड़ दीजिए, मैं तो एस्ट्रोलॉजी जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वो फ्री में पढ़ाता हूँ, तो मॉनेटरी में मत जाइए। सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं अगर आपने फॉलो कर लिए तो 80% एंग्जाइटी आप अपने परिवार में से उड़ा देंगे, पतंग की तरह, धुएं की तरह गायब, 80% किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। फील करिए इसको, इनको समझिए, इनके बारे में कोई क्वेरीज हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, विल रिवर्ट यू सून। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि खुशियां बिखेरते रहें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नमस्कार, थैंक यू।